नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और स्वागत करती हूँ आपका इंडियन बॉक्स में। हिंडनबर्ग में जिस व्यक्ति पर अरबों रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया है, जो व्यक्ति दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता था, वो व्यक्ति अब दुनिया के तमाम लोगों को उल्लू बनाने चला है। वो अब अपने आप को इतना धुरंधर समझ बैठा है कि वो अब अपने आप को भारत समझने लगा है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने जो इल्जाम लगाया था, उस इल्जाम को अडानी ने जालसाजी बताते हुए ये कहा है कि ये भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, गुणवत्ता और अखंडता पर एक संयोजित हमला है। महाराज अपने आप को इतना धुरंधर समझ बैठे हैं कि वो अब अपने आप को भारत की संप्रभुता समझ बैठे हैं। अडानी का कहना है कि मेरे ऊपर लगे इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगे हैं, बल्कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर लगे। अगर ऐसा है तो महाराज तब कहाँ थे जब देश में महामारी फैली हुई थी, जब COVID-19 के समय में अलग अलग लोग मर रहे थे, जब देश मर रहा था, महाराज तब कहाँ थे? उस समय महाराज अपना पैसा बनाने में लगे हुए थे। और अब जब महाराज पे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट फाइल कर दी है, तो महाराज को अचानक से भारत याद आ जाता है। तो महाराज एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इस बात पर गांठ बांध लीजिए कि तुम कभी भी भारत नहीं हो सकते, और अपने आप को भारत समझना बंद कर दो। अरबों रुपए के घपलेबाज ने हिंडनबर्ग की 103 पन्नों की रिपोर्ट पर पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली। 413 पन्नों के इस किताब की भाषा भी किसी चाल से कम नहीं है। कहानी यूं बन गई है कि हिंडनबर्ग ने अडानी को चालबाज बताया है, और अडानी का कहना है कि चालबाज मैं नहीं बल्कि भारत है, चालबाज मैं नहीं बल्कि भारत का प्रत्येक नागरिक है, और धोखेबाज भी भारत का प्रत्येक नागरिक है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।